विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सिंह फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसका नाम है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ जो होता है, दो चार्जों के बीच के फोर्स निकाला जाता है। ये कैसे फोर्स निकलेगा इसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही बारीकी से समझिएगा। लेकिन जो चार्ज होता है, आखिर चार्ज आता कहाँ से है, इस बात पर तो सोचना चाहिए हम लोग गंभीरता से। चार्ज आता कहाँ से, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग क्या, पहले इसके ऊपर थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं आप लोग को। तो मेथड ऑफ जो चार्जिंग होता है वह तीन तरीके का होता है। पहला होता है फ्रिक्शन के द्वारा, दूसरा होता है कंडक्शन के द्वारा, और तीसरा होता है इंडक्शन के द्वारा। फ्रिक्शन तो समझ लीजिए घर्षण के द्वारा। तो घर्षण में क्या होता है कि व्हेन टू बॉडी रबिंग विथ ईच अदर देन टू अपोजिट चार्जेज आर फॉर्म, वन इज पॉजिटिव अनदर इज निगेटिव। जैसे कि हम लोग बाल झाड़ते हैं कंघी से, तो दो अपोजिट चार्ज का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बाल और कंघी के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। अब प्रश्न है कि किस पर पॉजिटिव होगा, किस पर निगेटिव होगा। तो बाल पर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कंघी पर क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे देखिए, कंघी से दरादरन बाल को झाड़िए एकदम फटाक 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 झाड़िए, तो बाल पर क्या होगा विद्यार्थी जी, पॉजिटिव होगा, और कंघी पर निगेटिव। ये चार्ज आया कहाँ से, पॉजिटिव निगेटिव। और बाल हो चाहे कोई भी बॉडी हो, जैसे ये पेन है, तो ये पेन है तो मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना, और मॉलिक्यूल से एटम से, हर एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। और आप जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इसमें निगेटिव है, प्रोटॉन भी इसी में है तो भी क्या है, उसमें पॉजिटिव है, यानी इसी के अंदर पॉजिटिव निगेटिव है। लेकिन ये न्यूट्रल कंडीशन में है। क्यों न्यूट्रल में है, क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी जितना पॉजिटिव होता नहीं निगेटिव, इसी में से पॉजिटिव निगेटिव निकले, कहीं से आएगा नहीं। तो जब हम लोग बाल को ऐसे झाड़ेंगे कहीं से, तो बाल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वह पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। बाल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और कहीं क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वह आपको क्या होगा, निगेटिव। तो जितना ये पॉजिटिव देगा उतना ही ये निगेटिव लेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा पॉजिटिव मूव नहीं करता है। तो कैसे होता है इसके ऊपर भी चर्चा होगा। अब दूसरा जो और भी एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि ग्लास के रड को पॉलीथिन पर हम लोग रबिंग करेंगे, तो ग्लास रड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अब पॉलीथिन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसलिए ग्लास रड पॉजिटिव हो गया, अब पॉलीथिन निगेटिव हो। अब आइए दूसरा चीज है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है कि यहां पर एक अनचार्ज बॉडी ले ली जिस पर कोई चार्ज नहीं, एकदम न्यूट्रल है, और एक बॉडी है जिस पर चार्ज है, पॉजिटिव चाहे निगेटिव जो लेना है ले लीजिए। और जब ले जाकर ये पॉजिटिव वाला ले जाकर इसके साथ हम लोग सटाएंगे, कांटेक्ट करेंगे, दोनों बॉडी जब आपस में कांटेक्ट कर जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, जाकर सट जाएगा, तो ये चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मालिक यहां पर चार्ज था ना, तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है। तो इस तरह से एक कंडक्शन जो है कांटेक्ट करने के बाद एक चार्ज, फिर इसको हटा देंगे दोनों को, तो इसमें भी चार्ज हो जाएगा, और ये भी चार्ज बॉडी हो गया, और ये भी चार्ज हो गया। इस तरह से ये तो चार्ज था ही पहले वाला, ये तो चार्ज था ही, लेकिन अब इसको भी चार्ज कर दिया, हटाने के बाद भी चार्ज आ गया, तो ये कंडक्शन हो गया, है ना। अब तीसरा चीज जो है, फिर से एक बार समझिए, फ्रिक्शन के द्वारा दो बॉडी को रबिंग करने से होता है, कंडक्शन के क्या हो गया, एक चार्ज बॉडी को ले जाकर अनचार्ज बॉडी में कॉन्टेक्ट करेंगे, फिर हटा लेंगे तो दोनों बॉडी चार्ज हो गया, जो अनचार्ज था उस पर भी चार्ज चला जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब है इंडक्शन। इंडक्शन एक ही बड़ी विचित्र चीज है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक अनचार्ज बॉडी है, और यहाँ पर कोई एक रड ले लीजिए, इस पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो इसमें ऑलरेडी क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव इसके पास लाएंगे, पॉजिटिव वाला रड लाएंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसके तरफ अटैक्ट हो जाएगा, इसके पॉजिटिव है निगेटिव नहीं आएगा, आ इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चला जाएगा, क्योंकि उसको रिपल कर देगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर निगेटिव कर देंगे, निगेटिव वाला रड ले देंगे, निगेटिव चार्ज वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव के ही अटैक करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या किया, रिपल्स करेगा। इसमें कॉन्टेक्ट नहीं होता। इंडक्शन में क्या होता है कि बॉडी को कॉन्टेक्ट नहीं किया जाता है, ये दूर से ही इंडक्शन करेगा, हिंदी में प्रेरित कर देगा।
है ना। तो इस तरह की बात लागू होता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, फ्रिक्शन में किसी भी बॉडी को हम क्या करते हैं, रबिंग करेंगे तब होगा, दो अपोजिट चार्ज का फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। कंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी है एक अनचार्ज है, दोनों को कंटेक्ट करेंगे, कंटेक्ट करने के बाद फिर हटाएंगे तो जो अनचार्ज है उस पर भी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए कि इस पर 10 था, इस पर 0 था, दोनों सटा देंगे, इस पर भी 5, इस पर भी 5, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इंडक्शन में क्या होगा, इसमें कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है, उसको हम लोग इसके तरफ सिर्फ लाएंगे, अगर निगेटिव वाला लाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव अटैक करेगा, अगर यहाँ इसको पॉजिटिव कर देते हैं तो इधर निगेटिव आएगा। इस तरह से इंडक्शन के द्वारा ये होता है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको मेन बात हम लोग तो पढ़ना है कि तो समझ गए कि चार्ज कहाँ से आता है, चार्ज इसी में, चार्ज इसी में प्रोटॉन है, इसी में इलेक्ट्रॉन है, यानी इसी में पॉजिटिव है, इसी में निगेटिव, लेकिन न्यूट्रल है। जब हम इसको रबिंग करेंगे तो दो चार्ज का फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव है निगेटिव। तो दोनों अगर पॉजिटिव है तब तो रिपल्सन होगा, और दोनों निगेटिव है तभी रिपल्सन, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। अब यहाँ आइए कूलम्स लॉ पर, जो 1785 में इस बारे में बताया गया था कि सपोज दैट वी हैव टू चार्ज बॉडी। यहाँ बीबी एकदम क्वेश्चन है, ये एकदम इसका रीढ़ का हड्डी है इलेक्ट्रिसिटी का, इसी के बाद सारा चीज का फॉर्मेशन होता है, इसके बगैर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर ए एंड बी आर टू चार्ज बॉडी हैविंग चार्ज की वन एंड क्यू, अ डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। यहाँ पर देखिए, लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर टू चार्ज बॉडी हैविंग चार्ज की वन एंड क्यू टू एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। अब यहाँ पर तीन प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी या तो Q1 Q2 या तो दोनों पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगा। एक और प्रोबेबिलिटी होगा दूसरा कि या तो दोनों निगेटिव होगा, दोनों निगेटिव होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। और तीसरा प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, जैसे Q1 मान लो कि पॉजिटिव होगा, Q2 निगेटिव, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। फिर से बोल देते हैं तीन प्रोबेबिलिटी। पहला प्रोबेबिलिटी या तो Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि Q1 Q2 दोनों निगेटिव हो सकता है, तीसरा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि या तो Q1 पॉजिटिव होगा और Q2 निगेटिव होगा। अब इसका जो लॉ है, दो गो लॉ है, उसको सुनिए। टू लाइक और अनलाइक चार्जेज है फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इस चार्जेज। जैसे पहला लॉ यही है, इसी को वर्ड में यहां लिख दिए हैं, टू लाइक और अनलाइक चार्जेज है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स चार्जेज। दोनों का प्रोडक्ट हो गया कि नहीं, अगर हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हिंदी हुआ कि दो समान या असमान आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, यानी चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो फोर्स घटेगा। सेकेंड लॉ ये कहता है कि टू लाइक और अनलाइक चार्जेज है फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। लेकिन एक बात हम यहां बोलेंगे कि ए और बी के बीच यहां पर क्या है, डिस्टेंस आर है, तो जैसे यहां हम लिख दिए हैं डिस्टेंस, देखिए तो यहां पर एक बहस उठता है कि ये डिस्टेंस लिखे कि सेपरेशन लिखे, तो सेपरेशन भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा तो अच्छा रहेगा कि डिस्टेंस लिखिए, क्योंकि क्या है सेपरेशन और डिस्टेंस में, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझा देंगे तो आप ये मान जाइएगा कि हाँ डिस्टेंस लिखना ज्यादा करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि जैसे कि एक घर में दो भाई रहते हैं एक साथ मिलकर, अब किसी कारण से दोनों अब अलग अलग रहकर दो घर बना लिए, तो दोनों का डिस्टेंस नहीं हुआ, यहां पर दोनों का सेपरेशन हुआ, इसको डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, सेपरेशन बोलेंगे। जैसे अमीबा है, अमीबा तो रहता है जानते ही हैं कि कुछ दिन के बाद टूट कर दो हो जाता है,
दो हुआ तो वहां पर दोनों अलग तो हुआ लेकिन वो डिस्टेंस नहीं हुआ, सेपरेशन हुआ। इसलिए डिस्टेंस लिखना ज्यादा करेक्ट होगा। अब यहां पर फिगर के बारे में लिखा जाए तो लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर टू चार्ज बॉडी हैविंग चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। कितना डिस्टेंस है यहां पर? आर है। तो ये लिख देते फिगर के बारे में, लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर टू चार्ज बॉडीज हैविंग चार्जेज क्यू वन एंड क्यू। डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। ठीक है, अब देखिए इसी फिगर के बारे में लिखे हम, तो लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर टू चार्ज बॉडी हैविंग चार्ज क्यू वन एंड क्यू टू एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर या बोथ बॉडी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। सेपरेटेड लिखने के ही बहुत शौक है तो लिख सकते हैं बोथ बॉडी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट लॉ से देखो, फर्स्ट लॉ यहां है, यहां सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ से यही लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 आया है और सेकंड से यह आया है। अब दोनों लॉ को मिलाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहीं से सब लिखना है आप लोग को, जो पहले बताए थे एक्स्ट्रा बताए थे कि चार्ज आया कहां से, तो ये सब ही आंसर में सब कंटिन्यू रहेगा, कॉलम सब का यही से आंसर लिखना है आपको, ध्यान रखिए। अब दोनों को मिलाएंगे एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए दोनों मिल गया लो, यहां से देखिएगा जैसे कि हम लोग इसको ढक लेते हैं तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 आ गया कि नहीं, देखिए अच्छा से देखिए ढक ली इक्वेशन 1 आ गया, अच्छा से देख लीजिए। अब इसको ढक लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाता है, तो दोनों मिलकर हो गया। तो अगर हम दोनों को इसको एक साथ कंबाइन बोलने की अगर इच्छा हो कि दोनों को एक साथ कंबाइन बोलें, लो हम दो जगह नहीं लिखेंगे एक ही जगह लिखेंगे, तब कैसे बोलेंगे कि टू लाइक और अनलाइक चार्जेज है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स चार्जेज एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों चीज हो गए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट ना। अब रहा तो बात विद्यार्थी जी, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आंसर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम ठीक आगे बताते हैं। तो इस सब को हम लोग डिलीट करते हैं विद्यार्थी सब, अब देखिए इसको अभी यहां से देखिए, अभी प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे तो यहां देखिए क्या होगा, के ले क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर वेयर के इज कॉन्स्टेंट, या कूलम कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कूलम कॉन्स्टेंट भी लिखा जा सकता है। ये एक फॉर्मूला हुआ है ना, और K का वैल्यू होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये भी याद रखना होगा आप लोग को, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, अब हम लोग ये तो सिस्टम हो गया लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस इसमें जाते हैं तो K के जगह पर लिखते हैं हम लोग 1/4πε0, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है 1/4πε0, फील्ड में भी आएगा, पोटेंशियल में भी आएगा, सभी इस बात को भी ध्यान रखना है। तो अब के जहां पर है, यहां देखिए के है ना, तो के की जगह क्या करेंगे, यही चीज डाल देंगे, यानी ए फिजिकल टू 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला, अब प्रश्न यह है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, थोड़ा उधर देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। तो देखिए
यहां पर वेयर एप्सिलॉन नॉट बराबर परमिटिविटी इन वैक्यूम और एयर या फिर स्पेस। एक और होता है एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एक और होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या होता है, इसी को डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसके बारे में बाद में बताएंगे। अभी क्या है कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी होता है, एप्सिलॉन आर भी होता है। हाँ देखिए विद्यार्थी जी, तो ये जो हुआ एप्सिलॉन को एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 × 10⁻²। यूनिट क्या हो, इसी से पकड़ सकते एकदम इसके उल्टा, क्योंकि अब यहाँ पर जैसे इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या होगा, एफ नीचे हो जाएगा, तो क्या होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एफ। लेकिन एक चीज और बताते हैं कि यूनिट आया कैसे, जरा देख लीजिएगा, पहले थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अब देखिए विद्यार्थी इधर बताते हैं, इसको हटा देते हैं पहले मिटाते हैं। अब यूनिट कैसे बनता है देखिए, एक इससे दिखाते हैं एक इससे दिखाते हैं, दोनों से देखिए इसका के का यूनिट कैसे आए, तो आप देखेंगे के इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर क्यू वन क्यू। फोर्स का यूनिट क्या होता है मालूम है आप लोग को, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और आर तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, चार्ज का क्या होता है कूलम, एक और तो कितना होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए यूनिट आया कि नहीं, देखिए इस तरह से। अब प्रश्न है कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे है, तो इसी से देखो, इसी एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिख देंगे एफ आर स्क्वायर की वन क्यू, एप्सिलॉन हो गया एप्सिलॉन नॉट बराबर की वन क्यू टू, तो इधर रह जाएगा, और फिर क्या होगा एफ आर स्क्वायर। अब फोर पाई का कोई यूनिट नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि फोर पाई से यूनिट का कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ सोचिए अच्छा से, यहाँ इधर से लिखते हैं, जैसे कूलम हो गया Q1 का, Q2 का भी कूलम, अब फोर्स का न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा कूलम स्क्वायर और न्यूटन और मीटर स्क्वायर। देखिए विद्यार्थी जी यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का ए यूनिट हो, क्योंकि आप देखेंगे फिर से एक बार बोल देते हैं कूलम चार्ज है तो कूलम हो गया, ये भी चार्ज है तो कूलम हो गया, फोर्स का न्यूटन हो गया, और आर का मीटर होता है स्क्वायर कितना, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन अपर मीटर स्क्वायर। एक और चीज आपको बता देते हैं थोड़ा सा ज्ञान के लिए, नॉलेज ओनली फॉर नॉलेज। देखिए यहाँ एक चीज है, अभी हमने कूलम्स का फॉर्मूला प्रूव किए A फिजिकल टू के, यहीं से चलते के की वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ये सोच लीजिए कि इफ है की वन इजिकल टू वन कूलम, क्यू टू इजिकल टू वन कूलम, यूनिट ले लेते हैं वन कूलम मैंने यूनिट, और डिस्टेंस भी यूनिट वन मीटर, तो जब सभी को हम रख देते हैं वैल्यू, तो ए फिजिकल क्या होगा के इंटू के, यहां पर क्या हो जाएगा देखिए वन, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर क्या होगा वन का स्क्वायर, तो क्या होगा ए फिजिकल टू के आएगा। और के का वैल्यू कितना था 9 × 10⁻⁹, यहाँ चूंकि फोर्स के बराबर है तो न्यूटन लिखेंगे। अब ये प्रश्न है कि तब एक कूलम चार्ज किससे का है, ये समझ लीजिए बात को, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स दो चार्जों के बीच में, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स पारने के लिए जितने चार्ज की जरूरत पड़ती है उसी चार्ज को क्या बोलते हैं वन कूलम, लेकिन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए वन मीटर, वही कंडीशन है। नाइन फिर से सुन लीजिए, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स पाने के लिए
जितनी चार्ज की जरूरत पड़ता है उसी चार्ज को क्या बोलते हैं, वन कूलम चार्ज करते हैं। लेकिन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, यानी 1 मीटर होना चाहिए। यानी 9×10⁻¹ N फोर्स पाने के लिए जो चार्ज की जरूरत पड़ता है उसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं, 1 कूलम। यानी 1 कूलम चार्ज इज डेड कूलम विच रिक्वायर्ड फोर्स 9×10⁻¹ N, बट डिस्टेंस बिटवीन देम इज कितना होगा, 1 मीटर। तो देखिए विद्यार्थी जी, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया और आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिएगा।